ये आज क्या मतलब आप कार्रवाई कर रहे हैं सर, ये क्या मामला था पूरा? ये हमको सबसे पहले तो सही बताऊं, ये सारा समय में कमरजीत खरे ने हमको बताया था कि भैया वो पिछले बार जिस कबाब में उनने गौरव तिवारी जी ने पकड़ा वो फिर से काम शुरू कर दिया है। उन्होंने मुझको एक क्लू दिया था, शुरू हो गया तो फिर मैं उसको ट्रेस करने लगा। तो ट्रेस करते करते एक हफ्ते के अंदर हमने ये पाया कि ये वास्तव में ये काम इसका शुरू हो चुका है। फिर हमने अपने आदमी यहाँ ट्वीट करे, उनने उसको कल रात को खबर दी कि उसके यहाँ मिट्टी के तेल और नकली डीजल वगैरह होने की संभावना है। फिर हमने अपने कलेक्टर साहब से बताया, क्योंकि रात हो गई थी, तो साहब ने कम ने बताया कि सर रात को कार्रवाई में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप वहाँ पर अपने उसको वाच करिए, सुबह उसकी कार्रवाई करने का। तो फिर हमने अपने अपने स्कूटर कुटवा पुतलों को लगा दिया, उसके वाच करना है कुछ करना पाए। फिर सुबह आके हम लोग यहाँ करीब हम लोग 2:30 बजे फिर हम खुद ही आ गए थे। 2:30 बजे फिर हम लोग को वाच करते रहे और फिर सुबह होने पर हमने इसकी कार्रवाई की। संयोग ऐसा है कि वो एक टैंकर ले जाते हुए यहाँ से निकाल के भागते हुए अंकुर जैन हमको रास्ते में पकड़ मिल गया, और रास्ते में मिल गया तो उसको अपन ने पकड़ लिया, और वहाँ से जो डायल हैंडल थे लोग थे उनने भी हमारे इसमें काफ़ी मदद की, उनको भी अपन ने अपनी मदद के लिए बुला लिया। मंजय सिंह को भी हमने रात को फ़ोन लगाया था कि ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बोला ठीक है हम अपने आदमी आपकी मदद के लगा देंगे। तो डायल हैंडल वालों ने मदद की हमारी, तो उसको हमने फिर यहाँ से पकड़ लिया, उसके फिर कार्रवाई की, उसको ला के फिर खुलवाया गया। तो यहाँ पर अपन को एक गाड़ी तो उसकी जो बाहर मिली थी वो तो अपने रवाना कर दी, उसमें कार्रवाई करके अपने थाने रवाना कर दी। दो गाड़ी उसकी और खड़ी हैं जिसमें या तो फिर ये जो टैंक लारी वाले डीजल और मिट्टी का तेल कटिंग करते हैं, चोरी करते हैं, तो वो इसको बेचते हैं, या फिर वो ये उनको करके, या तो फिर ये नकली मिट्टी का तेल वो डीजल बनाता है। आगे अब क्या कार्रवाई होगी इस मामले में? अब ये तो हम इसकी अगली कार्रवाई इसका करके कलेक्टर साहब को प्रस्तुत करेंगे और इसकी प्राथमिकी दर्ज कराएंगे। इस पूरे मामले में कौन यहाँ कार्रवाई सब गला करवाता था, कौन किसका होता? अंको वो नीलेश जैन और पंकु जैन। अच्छा, कब से कर रहा था ये? ये तो अभी अपन को तो अभी मालूम चला कि फिर से करने, काफी पहले भी इसके हमने एक और प्रकरण बनाया था जब ये पिपरौस में छोटा मोटा काम करता था। इसके बाद इसी की कार्रवाई अपने पूर्व एसपी साहब गौरव तिवारी जी ने की थी, और उसके फिर उसने शुरू किया है। यही आदमी है जो जिसकी कार्रवाई गौरव तिवारी साहब ने की थी।